माहेश्वरी उत्पत्ति स्थल माने जाने वाले सीकर के लोहागढ़ धाम पर माहेश्वरी भवन का निर्माण करवाया गया। अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन और माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट की ओर से निर्मित इस माहेश्वरी भवन का बुधवार को स्वामी रामदयाल जी महाराज के सानिध्य में पद्म श्री रामेश्वर लाल काबरा, महासभा के सभापति श्याम सुंदर सोनी और रमेश मनिहार ने लोकार्पण किया। इस मौके पर अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश तापड़िया, महामंत्री अशोक इनानी और साथ ही अखिल भारतीय वर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार काल्या और महामंत्री प्रवीण सोमानी भी मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह में देश भर के करीब 85 शहरों के साथ साथ नेपाल से आए सैकड़ों माहेश्वरी समाज के सदस्यों ने शिरकत की। भवन का निर्माण प्रदीप जी बाहेती और साथ ही आशीष जाखोटिया की देखरेख में किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय वर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार काला ने कहा कि आने वाले समय में लोहागढ़ में जल्द ही भव्य मंदिर का भी निर्माण होगा, जिसमें शिव पार्वती संघ बेहतर उमराव और ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं, शिव परिवार और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ नवग्रह देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना भी की जाएगी। युवा संगठन के महत्वपूर्ण प्रकल्प माहेश्वरी उत्पत्ति स्थल लोहारगढ़ धाम में माहेश्वरी भवन का लोकार्पण संपूर्ण भारतवर्ष और नेपाल से पधारे हुए समाज बंधुओं एवं राजस्थान के लगभग 80 से अधिक स्थानों से पधारे हुए समाज बंधुओं की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सफलतम कार्यक्रम के लिए आप सभी समाज बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, इस भवन परिसर में ही एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसमें शिव पार्वती की प्रतिमा सहित 72 उमराव और हमारे ऋषि मुनियों की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। साथ ही शिव परिवार, नवग्रह देवता एवं 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जाएगी। हमारे समाज की लगभग 63 से अधिक कुल देवियों की स्थापना भी मंदिर परिसर में की जाएगी। इस पुनित कार्य में आप सभी समाज बंधुओं का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा।